20 करोड़ कैश अर्पिता के यहाँ मिले, लेकिन फंस गई ममता सरकार। कौन है अर्पिता जिनके घर पर ईडी को मिले 20 करोड़ कैश? बताएंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी से जुड़ रहे हैं तार। भाजपा ने शुरू कर दिए एक के बाद एक सियासी वार। अर्पिता की वजह से बुरी तरह फंस गई है ममता सरकार। जी, पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच की आंच अब राज्य सरकार तक पहुंचती नजर आ रही है। ममता सरकार बुरी तरह फंसती दिख रही है। शिक्षा घोटाले की जांच अब मंत्रियों तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने छापेमारी की तो करीब 20 करोड़ कैश बरामद हुआ। पार्थ चटर्जी के घर पर भी शुक्रवार से ही छापेमारी चल रही है। इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि अर्पिता मुखर्जी कौन है और वो पार्थ चटर्जी की करीबी कैसे बनी। तो हम आपको बताते हैं ईडी की रेड से सुर्खियों में आई अर्पिता मुखर्जी के बारे में कि आखिर वो है कौन। कौन है अर्पिता मुखर्जी? टिकटॉक से सुर्खियों में आई बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी है, हालांकि बेहद कम समय के लिए। मुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर में ज्यादातर साइड रोल ही किए हैं। बांग्ला फिल्मों के अलावा ओडिया और तमिल फिल्मों में भी काम किया। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रोसेनजीत के लीड रोल वाली कुछ फिल्मों में भी साइड रोल कर चुकी है। इसके अलावा बांग्ला फिल्म अमर अंतरनाद में भी अभिनय किया था। महंगी गाड़ियों की शौकीन है, कई महंगी गाड़ियों की मालकिन है। अर्पिता मुखर्जी अब ईडी की रेड में मिले 20 करोड़ कैश से चर्चा में है। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच के दौरान अर्पिता मुखर्जी की संलिप्तता की बात सामने आई थी। पार्थ चटर्जी की करीबी है अर्पिता। अर्पिता मुखर्जी को लेकर कहा जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी है। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बांग्ला फिल्मों में कभी साइड रोल करने वाली अर्पिता मुखर्जी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले पार्थ चटर्जी की करीबी कैसे बन गई? दरअसल तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी दक्षिण कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नखचला उदयन का संचालन करते हैं। ये कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। अर्पिता मुखर्जी 2019 और 2020 में पार्थ चटर्जी के दुर्गा पूजा समारोह का चेहरा भी रह चुकी है। दुर्गा पूजा के दौरान जारी किए गए पोस्टर में पार्थ चटर्जी का नाम संघ के अध्यक्ष के तौर पर लिखा गया था। अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा पड़ने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नखचला उदयन संघ की दुर्गा पूजा के उद्घाटन अवसर पर नजर आई थी। ममता के बगल में पार्थ चटर्जी बैठी हैं। चटर्जी के साथ टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी भी मौजूद हैं। सुब्रत बख्शी के बगल में अर्पिता मुखर्जी बैठी हैं। टीएमसी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर खुद को इस घोटाले से दूर कर लिया है। कहा गया है कि टीएमसी का इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। जांच में जिनके भी नाम सामने आए हैं, जवाब देना उनका और उनके वकीलों का काम है। टीएमसी अभी पूरे मामले को करीब से देख रही है। समय आने पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। ममता की पार्टी ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन बंगाल में बीजेपी इसे लेकर आक्रामक हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फिल्मों में एक साइड रोल करने वाली अभिनेत्री के पास इतना काला पैसा कहां से आया? कहीं न कहीं ये पैसा किसी और का है जो अर्पिता के यहाँ छिपा कर रखा गया था। अब वो कौन है इसका पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस घोटाले ने ममता सरकार की नींदें जरूर उड़ा दी है।